मूवमेंट किस तरीके से खत्म हुआ था एंड आफ्टर दैट हाउ द मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में बात कर रहा था। मैंने आपको पहले भी समझाया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कोई एक बड़े मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए कोई एक रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कोई भी एक बड़े से मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए एक मोर देन वन रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें देखना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे खत्म हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से खत्म हुआ और फिर किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, हमें इसके बारे में देखना था। ये बात था, मैंने आपको बताया था कि 1929 में 27 में साइमन कमीशन बना था और साइमन कमीशन ने जो साइमन था दैट वाज द हेड ऑफ द पर्टिकुलर कमीशन और वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंगली बना था कि 10 साल के बाद हर चेंजेस लाया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड वट एवर द रूल एंड रेगुलेशन दैट इज रिक्वायर्ड दैट विल बी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटेन और नॉट फॉर इंडिया। ये बात थी। तो साइमन में मैंने साइमन कमीशन में आपको बताया था कि 1928 में जब वो लाहौर आया तो लाहौर में जो वहां के लोकल लीडर थे लाला लाजपत राय तो उन्होंने डिसाइड किया था, सबने डिसाइड किया था कि जब साइमन कमीशन जहां जहां इंडिया में जाएगा वहां पर उसका बायकॉट किया जाएगा अलोंग विद द स्लोगन साइमन गो बैक। साइमन गो बैक वाज द स्लोगन विच वाज गिवन टू बायकॉट द साइमन कमीशन। यही बात थी। और उसमें जब 1928 में वो बायकॉट कर रहे थे उसी समय लाठी चार्ज कर दिया पुलिस ने और उसके बाद जो लाला लाजपत राय थे उनको लाठी लग गई थी और इस कारण से उनकी डेथ हो गई थी। ये आया था जिस कारण से पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग एनवाइट हो गए थे और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी में कोई सॉल्यूशन नहीं रहा था तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस को एग्री करवाया और डोमिनियन स्टेटस की बात कही। लेकिन 1929 कलकत्ता सेशन था उसमें नेहरू जी ने जो गोल रखा नेक्स्ट मूवमेंट के लिए दैट वाज पूर्ण स्वराज। पहले वाले क्या था, स्वराज, इसका पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये बात यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। यस सर नो? यस सर। अब 1929 में ये डिसाइड किया गया था कलकत्ता सेशन के अंदर, लाहौर सेशन के अंदर अंडर द प्रेसिडेंसी लाहौर सेशन 1929 दिसंबर, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसपे ये डिसाइड किया गया था कि द गोल ऑफ द नेक्स्ट मूवमेंट विच दे आर गोइंग टू लॉन्च इज पूर्ण स्वराज विच मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड दिस विल बी द गोल ऑफ द नेक्स्ट मूवमेंट विच विल बी स्टार्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मूवमेंट विच दे आर गोइंग टू स्टार्ट वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब जो सिविल के कानून है उनको तोड़ा जाएगा। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने 1930 को गांधी जी ने 11 डिमांड्स का एक लिस्ट बनाया। किसका बनाया? 11 डिमांड्स का एक लिस्ट बनाया एंड ही डिपॉजिटेड दैट वन टू लॉर्ड इरविन और उन्होंने ये कहा कि यदि हमारी 11 डिमांड्स फुलफिल कर दिए जाते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी मूवमेंट इन इंडिया, लेकिन यदि हमारे ये डिमांड पूरे नहीं होते हैं तो फिर हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सवाल ये है कि वो 11 डिमांड क्या थे। पहला डिमांड था टोटल प्रोहिबिशन ऑफ द टैक्सेस, जो ये टैक्सेस दिए जाते हैं लैंड टैक्सेस अलग अलग तरह के टैक्सेस जो कलेक्ट किया जाते थे ब्रिटिश के द्वारा, सो ऑल ऑफ देम शुड बी अबॉलिश्ड, बंद कर दिया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात,
द रेवेन्यू ऑफ और रिडक्शन इन टू द लैंड रेवेन्यू, जो लैंड से रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी उसको भी रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा टोटल एबोलिशन ओवर द सॉल्ट टैक्स, जो सॉल्ट टैक्स था, जो एसेंशियल गुड्स थे उनपे जान बूझ कर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत हैवी टैक्स लगा रखा था, क्योंकि जरूरत है आपको वो आप लोगे ही लोगे, और लोगे तो ऑटोमेटिक वो टैक्स के पैसे जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएंगे या नहीं। तो इस चीज के लिए उन्होंने इस डिमांड को रखा कि प्रोविजन ऑफ द कंप्लीट सॉल्ट टैक्स। इसके अलावा प्रोटेक्शन ओवर द ट्रैफिक ऑन द फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन से गुड्स आते हैं उन गुड्स के ऊपर आपको प्रोविजन लगाना होगा, ताकि जो कंट्री के अंदर गुड्स बन रहे हैं उनका सेल हो, मतलब तो इंपोर्ट आपको रोकना होगा, कम करना पड़ेगा। अब सवाल ये है, इस तरह के कुछ डिमांड्स, 11 डिमांड्स गांधी जी ने बनाया, और जानबूझ के ऐसे डिमांड्स रखे गए जिससे मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट हो, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को उसमें फायदा अपना दिखे। एक बात बताओ, जैसे ये चार ग्रुप है, और मैं चाहता हूं कि ये चारों ग्रुप मेरे साथ आके मूवमेंट स्टार्ट करें, तो कोई भी व्यक्ति जब तक मूवमेंट या कोई भी चीज में काम नहीं करेगा, जब तक कि उसका अपना फायदा उसमें नहीं दिख रहा होगा, ये बात तो सही है। तो जैसे उन्होंने जब ये 11 डिमांड रखा, तो उस 11 डिमांड में ये ध्यान रखा कि उसमें मैक्सिमम लोगों का प्रॉफिट, उसमें इस वाले ग्रुप का भी, इस वाले ग्रुप का भी, इस वाले ग्रुप का भी, इस वाले ग्रुप का भी प्रॉफिट दिखे, जिससे कि जब वो मूवमेंट में आए तो अपनी पूरी मेहनत से और ईमानदारी से उस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें, ताकि जब वो मूवमेंट सक्सेसफुल हो तो उन सबके डिमांड पूरे हो जाएंगे, वो डिमांड मान लिए जाएंगे, जब वो डिमांड मान लिए जाएंगे तो उससे सबको फायदा होगा, किसी एक को फायदा होगा। तो जान बूझ के गांधी जी ने उन डिमांड्स को रखा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब फायदा हो रहा हो, ठीक है। और उन्होंने इस चीज को एश्योर किया कि यदि आप लोग इन डिमांड्स को मान लेते हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो गांधी जी हैज डिक्लेयर दिस डिमांड्स टू द वायसराय, ठीक है। अब वायसराय ने ये कहा कि ठीक है, आप ये डिमांड आप दे रहे हैं, मानने वाले तो ही नहीं, गांधी जी ने भी जानबूझकर इस तरीके से डिमांड बनाए थे जो ब्रिटिश मान नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से उनका नुकसान रहता, वो चाहेगा नहीं कि मेरा पूरी तरीके से नुकसान हो। तो उसने ये कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, आप सेकेंड राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस में जाइए और उसमें अपने जो भी डिमांड से वहां रखिए और अपने बात को मनवाइए। सेकेंड राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, लेकिन वहां पर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो अभी आ जाएगा तुम्हारा, उसमें 1930 में गांधी जी इंडिया से ब्रिटेन गए, वहां पे लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब गांधी जी ने एक चीज देखा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो दे हैव डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उस चीज के लिए गांधी जी ने एक चीज डिसाइड किया कि हम एक ऐसा मार्च स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ सके, और जब हम मूवमेंट स्टार्ट करें तो वो फुल इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट हो सके। एंड फॉर दैट ही हैज डिसाइडेड टू लॉन्च दांडी मार्च, एंड आफ्टर रीचिंग टू द दांडी ही विल मेक द सॉल्ट बाय विच द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल गेट ब्रोकन डाउन, बिकॉज वो उस समय ये रूल था कि कोई इंडियन सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो ये एक सिविल कानून था, तो जब गांधी जी वहां जाकर खुद नमक बनाएंगे तो वो कानून टूट जाएगा कि नहीं। और इस चीज के लिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि लॉर्ड इरविन उस समय भाषण रहा था, उसने निगोसिएट करने से मना कर दिया, ठीक है। बदले में गांधी जी ने कहा कि ठीक है आप नहीं मानते हैं तो हम मूवमेंट करेंगे। तो उन्होंने उनका जो साबरमती आश्रम था वहां से उन्होंने 78 लोगों को चूज किया। कितने लोगों को चूज किया? 78 लोगों को चूज किया कि वो उनके साथ दांडी तक पैदल मार्च करेंगे, और आज जहां पर भी वो रुकेंगे
वहां पर आसपास के जितने भी गांव हैं उनके लोग उनसे आएंगे और उनको वो एड्रेस करेंगे गांधी जी। इससे क्या होगा, आसपास के जितने गांव के लोग हैं ऑल ऑफ देम विल कम देयर और नॉट देयर। और ये जो मार्च था ये 240 माइल्स की थी, 240 माइल्स की ये मार्च थी। तो जो वॉलेंटियर्स थे दे वॉक फॉर 24 डेज, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 10 माइल्स पर डे वो कवर कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से दांडी मार्च स्टार्ट हुआ एंड ऑन 6 अप्रैल, ठीक है, स्टार्ट कब किया, 11 मार्च को पहुंचे, कब 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बॉइल्ड जो सी वाटर था उसमें से सॉल्ट लेकर सिविल का जो सॉल्ट लॉ था उसको उन्होंने ब्रेक किया, ठीक है। अब सवाल यह था कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट होगा तो लोग कुछ तो करेंगे टू सो देयर एजिटेशन, देयर विल बी सर्टेन प्रोग्राम्स विच विल बी लॉन्च विच विल बी स्टेटेड बाय द गांधी जी दैट हैज टू बी परफॉर्म बाय द सत्याग्रही और नॉट। तो उन्होंने कहा कि सभी लिक्वर का बायकॉट करेंगे, शराब का बायकॉट करेंगे। शराब का बायकॉट करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि शराब से बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाती है। यदि तुमने देखा होगा लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले शराब के देखो खोला गया, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा एक रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाती है। तो जिससे ज्यादा ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा, वो चीज अब शराब पीना बंद कर देगा आदमी तो जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा वो बंद जाएगी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बायकॉट ऑफ लिक्योर, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बायकॉट ऑफ ऑल काइंड ऑफ गुड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। ये सब चीजें उन्होंने कहा अलोंग विथ ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉल्ट रूल। तो ये सारी चीजें उन्होंने प्रोग्राम सेटअप किया दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पीपल व्हेन दिस प्रोग्राम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल स्टार्ट। अब क्या हुआ, गांधी जी ने जब ये पहुंचे और दांडी पहुंचकर उन्होंने सॉल्ट बनाने का जो कानून था वो तोड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ द मूवमेंट प्रोग्रेस्ड इन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो अलग अलग कंट्रीज में चल रहा, अलग अलग तरीके से चला था, वैसे ही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो किस तरीके से इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट में रन किया। एक बात देखो, जो सॉल्ट लॉ था दैट वॉज द मेन टारगेट बाय द गांधी जी, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति लेता है और उससे हर एक व्यक्ति अफेक्टेड है या नहीं है। यदि कानून बनता है कि सॉल्ट पे टैक्स नहीं लगेगा तो सबको फायदा होगा, किसी एक को फायदा होगा, स्पेशली पुअर्स, स्पेशली पुअर्स। जबकि जो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट है, जो अदर वायलेशन ऑफ अदर रूल्स है, ये सारी चीजें जो थी ये सब भी होंगे, ठीक है। और पुअर की संख्या ज्यादा थी तो संख्या ज्यादा वाले को स्ट्रेस आउट किया जाता है। अब क्या हुआ, जो बिहार है, यूपी है, गुजरात है, बंगाल है, यहां पर जो फार्मर्स थे दे हैव रिफ्यूज टू गिव द लैंड रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज गांधी जी हैज सेड दैट टू एबॉलिश एंड टू बायकॉट ऑल द टाइप ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्सेस। So the farmers of Bihar, UP, Bengal, Gujarat, they have decided not to pay the land revenue and the chaukidari tax to the British government. Uttar Pradesh mein jo forest law tha, theek hai, wahan par forest ke lakdiyon kaatne ke upar unko tax dena padta tha, unhone use dene se mana kar diya. North West mein jo Pakistan ban gaya hai, wahan par ek aadmi tha jise hum फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते थे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में एक व्यक्ति था जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना था, उसका नाम था
अब्दुल गफ्फार खान, क्या नाम था? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाय विच पॉपुलर नेम अब्दुल गफ्फार खान नोन इन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी जो थे ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द गांधी जी। सो वट एवर द गांधी जी हैज सेड, he wanted that the movement should move into the northwestern part of the India according to the guidance of the Gandhi ji. As per me, तो ये बातें उन्होंने कही, और जैसा गांधी जी ने कहा था boycott of liquors, boycott of revenue, salt tax, boycott of foreign goods, boycott of school colleges, they all were happened into the northwestern part. Along with this, Gandhi ji has made a special appeal to the women. He has made a special appeal to the women to go to those shops where the liquor are sold, so that they can stop the males from buying the liquors. तो उन्होंने गांधी जी ने क्या किया, औरतों से special अपील किया कि जहां पर लिक्विड सेल होता है आप उन शॉप्स के बाहर जाकर धरना दें, और जो आदमी शराब पीने के लिए खरीदे जाते हैं उनको रोके। तो इससे क्या होगा, लिक्विड का सेल नहीं होगा, तो इससे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है वो जाना बंद हो जाएगी नहीं? यस सर। तो इस तरीके से गांधी जी ने अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में गांधी जी द्वारा बताए गए तरीकों से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रन कर रहा था। लेकिन 6 अप्रैल को जब गांधी जी वहां पर पहुंचे दांडी में और उन्होंने सॉल्ट लॉ को एबॉलिश किया और रूट ब्रेक किया, तो उसी दिन सब पूरे इंडिया में उस मूवमेंट को स्टार्ट होना था। yes, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसने मूवमेंट जिस दिन स्टार्ट होना था उसी दिन जैसे गांधी जी ने रूल तोड़ा उनको अरेस्ट कर लिया, जितने भी मेन लीडर्स थे सभी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, और जो बच गए लीडर्स वो अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है, तो मूवमेंट तो स्टार्ट हुआ लेकिन मूवमेंट को गाइड करने वाला कोई नहीं था, और जो बचे हुए थे वो भी अंडरग्राउंड थे। सो दे वर नॉट कमिंग इन फ्रंट टू लीड द मूवमेंट। तो जब कोई लीडर नहीं होता है मूवमेंट का तो मूवमेंट डायरेक्शन लेस हो जाता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस द मूवमेंट बिकम डायरेक्शनलेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव टेकन सप्रेसिंग मेजर्स टू सप्रेस दिस मूवमेंट। एंड फॉर दैट व्हाट ही हैड डिड, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मोर देन 60,000 पर्सन्स वेयर पुट अंडर द ट्रायल एंड they were beaten brutally by the British government to so that they can suppress the movement. ठीक है, उन्होंने more than 60,000 people को prison के अंदर डाल दिया, अलग अलग जगहों पे लाठी चार्ज की brutal तरीके से, जिससे कि लोग घायल हो जाए मरे और इस movement को दबाया जा सके। तो बहुत ही brutal तरीके से इस चीज को start किया गया। अब क्योंकि मूवमेंट को डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था, सब अरेस्ट हो गए थे, इसीलिए 1931 में गांधी जी जो थे 5 मार्च 1931 को ही डिड ए पैक्ट विद इरविन, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया इरविन के साथ, एंड आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग ही कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने देखा कि मूवमेंट जो डायरेक्शन लेस हो रहा है, ब्रिटिशर्स लोगों को पीट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से और लोगों को जेल भेजा जा रहा है, तो इस चीज को देखकर गांधी जी जो थे वो बहुत अपसेट हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। ठीक है, तो इस चीज के लिए उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया और उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। अब सवाल यहाँ पर यह होता है, व्हाट वाज द पैक्ट विच वाज डन बिटवीन द गांधी जी एंड इरविन अंडर दिस पर्टिकुलर पैक्ट? ठीक है, यहाँ पर वो राजी हुए कि दे विल गो इनटू द सेकंड राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस।
अब तक तो राजी हो नहीं रहते ये लोग। हमने 11 डिमांड रख दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे कि आप हमारी डिमांड पूरे कीजिए तो हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने नकार दिया, इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सप्रेसिव मेजर लिया। तो गांधी जी ने ये बात डिसाइड किया कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको आजाद कर दिया जाए, ठीक है, जिन्होंने भी इस लड़ाई में सिविल लॉस को ब्रेक किया है, जिसको भी आपने अरेस्ट किया है, उन सबको छोड़ दिया जाए तो मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। ठीक है, अपनी बात समझो, गांधी जी के ऊपर भी प्रेशर है, सॉरी इरविन के ऊपर भी प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप भाई वहां से कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव भेजो, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो उन्होंने इरविन भी बोला कि ठीक है एक्ट हम साइन कर लेते हैं, मैं आपके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है सबको छोड़ देंगे और आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले जाइए। तो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। ठीक है, इन्होंने कुछ को छोड़ा और कुछ को छोड़ा ही नहीं। जब एक बार आप चले गए यहां से पता क्या चलेगा आपको, और उन्होंने कहा कि ठीक है जिनका जिनका लिस्ट आप देते हो उनको हम छोड़ दे रहे हैं, धीरे धीरे हम सबको छोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ को छोड़ दिया। गांधी जी बोला कि भैया ठीक है ये छोड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर को, मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाता हूँ। वो निकल गए लंदन के लिए, इधर जितने को छोड़ा नहीं छोड़ा उनको वो वहीं पे अरेस्टेड पोजीशन में जेल में ही रख दिया। ठीक है, अब गांधी जी पहुंचे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए और वहां पर भी कोई बात फाइनलाइज नहीं हुआ। ठीक है, अब इस समय जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए, उससे पहले ठीक है जब वहां गए, कल वो इसी बात को कंटिन्यू करो, गांधी जी गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहां गए वहां पे कुछ डिसाइड नहीं हुआ, वापस लौट के गांधी जी कहां है इंडिया। ठीक है भाई, आपको भाई वहां पर फैसला नहीं हुआ, हम फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर मैं लीडर्स तो बन लिया कहा था कि गांधी जी ऐसे डिमांड्स रखे थे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अब ये मूवमेंट जो था, दैट वाज इन दिस मूवमेंट द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर हैविंग द डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। मैंने आपको बार बार कहा ये बात कि अब जब तक आदमी को अपना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाई देगा वो पार्टिसिपेट उसमें नहीं करेगा। तो सभी को अपने अपने एक्सपेक्टेशन थे इस मूवमेंट से, तो किसको क्या मूवमेंट से एक्सपेक्टेशन था और कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसको अब समझना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं लैंडलॉर्ड्स की, जो लैंडलॉर्ड्स थे